नमस्कार, पत्रिका मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूँ तेजश्री। आज का इंदौर का न्यूज बुलेटिन आधारित है छात्र संघ चुनाव पर। छात्र संघ चुनाव का अंतिम दौर बहुत ही रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। 6 साल बाद होने जा रहे छात्र संघ चुनाव में छात्र राजनीति का शंखनाद होने जा रहा है। इसे लेकर छात्रों में हड़बड़ाहट साफ देखी जा सकती है। सोमवार को मतदान के दिन छात्र नेता जीत का दावा करते नजर आए, लेकिन उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी और घबराहट उनके हालत बयां कर रही थी। छात्र संघ चुनाव में प्रत्याशियों के लिए केवल रविवार का दिन ही शेष था। पहले अनुमान था कि रविवार के दिन छुट्टी होने के कारण छात्र नेता नहीं आएंगे, लेकिन तीनों कॉलेजों में छात्रों का हुजूम नजर आया। शनिवार को नामांकन खत्म होने के बाद दोनों ही संगठनों के समीकरण गड़बड़ा गए हैं। किसी को भी अंदाजा नहीं हो रहा कि जीत किसकी होगी। नामांकन के बाद दोनों ही संगठनों के छात्र नेता जीत का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन ऊंट किस करवट बैठेगा यह अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। मतदान के दिन तीनों ही कॉलेजों में अलग अलग स्थिति देखने को मिली। अपने कड़े नियमों के लिए जाने जाने वाले होलकर कॉलेज में भारी एंट्री पूरी तरह से बंद थी। वहीं विश्वविद्यालय में मतदान के दौरान कड़ी चेकिंग की जा रही है। यूटीडी परिसर में ही दोनों छात्र संगठन के नेता पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। चूंकि पूरा दारोमदार कक्षा प्रतिनिधि के चुनाव पर टिका हुआ है, इसलिए एबीवीपी और एनएसयूआई के नेता अपने अपने कक्षा प्रतिनिधियों पर पूरी निगाह रखे हुए हैं। यूटीडी में 70 से ज्यादा सीआर को एबीवीपी ने नजरबंद कर रखा है। वहीं एनएसयूआई के छात्र नेता भी अपने अपने कक्षा प्रतिनिधियों पर पूरी नजर रखे हुए हैं। चुनावी दंगल के लिए बदनाम आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में चुनाव का अलग ही रंग और माहौल दिखाई दे रहा है। यहां दोनों ही संगठनों के छात्र नेता पिछले कई दिनों से एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। आज भी कॉलेज परिसर में भारी हंगामा खड़ा किया गया, जिसके चलते दोनों संगठनों के नेताओं को पुलिस बल ने डंडे के बल पर बाहर यूटीडी में एबीवीपी के ही दो संगठनों में विवाद का ऑडियो वायरल हो गया था। एक गुट ने मामले को लेकर पुलिस को भी सूचित किया था। एक तरफ 6 साल बाद हो रहे चुनावों के लिए छात्र नेता अपनी मजबूत रणनीति नहीं बना पाए, वहीं दूसरी तरफ चुनाव प्रचार के लिए मात्र एक दिन का समय मिला, जिससे दोनों संगठनों की जमीन खिसक गई। अब देखना यह है कि चुनाव परिणाम के साथ किस छात्र संगठन के सर पर जीत का ताज सज्जित होगा। मध्य प्रदेश में 6 साल बाद हो रहे चुनाव को लेकर विश्वविद्यालय में माहौल देखा जा सकता है। चुनावी बिसात को लेकर इसमें किसकी जीत होगी और किसकी हार, ये तो परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस वक्त हम आपको बताने जा रहे हैं छात्र संघ चुनाव की कुछ खास झलकियां। छात्र संघ चुनाव में हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस बल के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। हंगामा होने पर कई जगह पुलिस बल छात्रों को डंडे के बल खदेड़ती नजर आई। चुनाव के समय किसी भी तरह के विवाद से बचने के लिए छात्रों का आईडी कार्ड देखने के बाद ही मतदान करने दिया जा रहा था। इससे मतदान में वक्त कुछ ज्यादा लगा, लेकिन अधिकांश जगह मतदान बेहद शांति से होता रहा। मतदान करने का हक उन्हीं छात्र छात्राओं को दिया गया जिन्होंने अपने सत्र की फीस भर दी हो। कॉलेज परिसर में कई बार छात्र छात्राओं के बैग की तलाशी ली गई। छात्राओं के बैग की तलाशी लेने के लिए महिला पुलिसकर्मी भी नियुक्त की गई थी, जिससे किसी तरह की कोई अप्रिय स्थिति ना हो। चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा हंगामा आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में हुआ, जहां पुलिस बल ने मौके पर स्थिति को कई बार संभाला। स्थिति संभालने के लिए छात्रों को खदेड़ना भी पड़ा। रविवार को प्रचार के लिए सिर्फ एक दिन मिला था। जिस छात्र को जहां मौका मिला वह प्रचार के लिए बैठ गया।
सड़क हो या कॉलेज, हर जगह सिर्फ वोट दो की गूंज सुनाई दे रही थी। इस चुनाव में लड़कियां भी अपना जोश दिखाने में पीछे नहीं रही। नई नई छात्र नेता बनी कॉलेज छात्राओं ने भी प्रचार में जोर आजमाइश करने में किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी। छात्र संघ चुनाव प्रचार के समय GDC कॉलेज में ताला लगे होने से छात्राएं अपने चुनाव का प्रचार नहीं कर पाई। वहीं दूसरी तरफ उन्हें हॉस्टल भी नहीं जाने दिया गया, जिसके कारण वे अपना प्रचार नहीं कर पाईं। इसके बाद छात्राएं वहीं कॉलेज के बाहर धरने पर बैठ गईं। फिर आवेश में आकर उन्होंने मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। वहीं शासकीय PG कॉलेज धार में छात्र संघ चुनाव को लेकर भारतीय छात्र संगठन धरने पर बैठ गया और चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि जब कॉलेज प्रशासन को एक पक्षी चुनाव करवाना है तो इस चुनाव में भाग लेने से कोई मतलब नहीं निकलता। पदाधिकारी कॉलेज के गेट पर धरने पर बैठे रहे। वहीं देवास में नामांकन फॉर्म दाखिल करने की बात को लेकर NECUI व ABVP छात्र संगठन की छात्राएं आमने सामने हो गई। दरअसल GDC कॉलेज के मुख्य द्वार पर कॉलेज प्रबंधन ने ताला लगा दिया था। शिप्रा से एक छात्रा आने में लेट हो गई थी, जिसने वर्तमान GDC कॉलेज ABVP के अध्यक्ष प्रियंका दुबे को अपना नामांकन फॉर्म भरने के लिए गेट पर से दे दिया था। इसी बात को लेकर NSUI छात्र संगठन की छात्राओं ने विरोध शुरू कर दिया और काफी देर तक दोनों गुट की छात्राएं एक दूसरे को अपशब्द कहते हुए गंभीर आरोप लगाती रहीं। NSUI छात्र संगठन की छात्राएं इस मामले में आवेदन देने के लिए सिविल लाइन थाने भी पहुंची थी। तो अभी आप देख रहे थे इंदौर के छात्र संघ चुनाव की कुछ खास झलकियां। आगे की जानकारी को जानने के लिए जुड़े रहिए पत्रिका TV के साथ। शुक्रिया।